एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर घर वालों के साथ, मार्केट काम है थोड़ा उनको, तो मैं उनके साथ ही जा रही हूँ आज। एंड वहाँ मार्केट जाएंगे तो देखते हैं। एक्चुअली ना कुछ सूट वगैरह है, तो उसका वो जो इनर वगैरह होता है ना, तो उसका फैब्रिक वगैरह लेना है, सिलवाने के लिए देना है एक सूट ना, तो वो करने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग ना। उनको भी काम है तो मैंने सोचा मैं भी लगे हाथ चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरा सूट देना कब से रखा हुआ है यार, इतना टाइम से दिया ही नहीं है सिलने के लिए ना। सो अभी बस थोड़ी देर में निकलते हैं हम लोग ना। सो जो लिफ्ट आ रही है, लिफ्ट में आके ऐसे ही खड़ी हो गई थी, मैंने प्रेस एक बटन ही नहीं प्रेस किया था यार, मैं सोचू ये चल क्यों नहीं रही है। सो बस गाइस निकल चुकी है, मैं ना पैदल जा रही हूँ यहाँ से बाहर, अपने तनु डोली जा रहे हैं साथ में ना, तो हम लोग ना ऑटो वगैरह ले लेंगे बाहर से। और राजवीर तो बिजी है अपना काम में ना, तो इस वजह से राजवीर का वैसे भी कोई बाहर कुछ काम नहीं था हमारा ये कपड़ों का, तो फिर क्या ही करना था उन्होंने जाके। तो अभी हम लोग बस जल्दी से जाएंगे, जल्दी जल्दी करके काम फारिक करके आ जाएंगे। और गाइस आज मैंने पहना है ये मेरा न्यू शोको गाइस, आज किया हैड वॉश। पता ही मेरे बाल कितने ज़्यादा एकदम से वो हेड वॉश करते ही ड्राई हो जाते हैं। सो जी चलते हैं, धूप बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन ठीक है, इतनी तो धूप लेनी भी ज़रूरी है यार। तो गाइस ये देखो इसका शेड तेरे फेस से कितने बड़े अच्छे लग रहे हैं, पर्पल कलर के हैं। नहीं पर्पल नहीं, अब सही ना शर्ट से मैच कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं बड़े, लेकिन तेरे फेस से बड़े गाइस, इसकी आंखें इससे बात पे पिंपल है ना, तो इस वजह से इसने शर्ट लगाए हुए, अदरवाइज ये शर्ट तो बिल्कुल नहीं लगा हमारा घूमने के लिए, छोटा छोटा सा शेड्स ले लिए इससे अच्छा, तो अभी देख कर आएंगे, मिलेगा तो लेकर आएंगे। ओके, बट वैसे बड़े लग रहे हैं ना। नहीं सही है, अभी के लिए ठीक है, मैं बहुत तो लग रही है अजीब सी, तो नहीं नहीं अच्छी लग रही है, अच्छा है। हाँ हाँ, अरे ये बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू थैंक यू। यार तू तो बहुत पिची हो गई, पतली वैसे ही लग रही हूँ। गाइस अभी हम लोग रोड तक जाएंगे पैदल, वहाँ से लेंगे ना ऑटो, यहाँ पे मिला ही नहीं इसको ऑटो, उसने रोका ही नहीं, एक दिखा था ये रोक ही नहीं भाई यार ऑटो, ऑटो खड़ा है यहाँ पर, खड़े हद बंदा नहीं है उसमें। चलो गाइस बस निकल रहे हैं हम लोग, हम लोग वहाँ से क्रॉस करके आए हैं और इधर खड़े हैं, अभी ऑटो का वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बहुत ही। अब ये वाला बन चुका है बोलना क्या, पागल है क्या, इस पे बिठाएगी ये इसके अंदर बिठाने वाली थी हमको डोली, एक ऑटो खाली है बस उसको रोक लिया, बड़ा वो राइट साइड मुड़ रहा है डोली, राइट साइड ऐसे कैसे मुड़ सकता है। नहीं नहीं उसे देख लिया, देख लिया, आ रहे आ रहे। मैंने सच्ची बताऊँ तो मैंने अपनी शक्ल अभी अभी देखी है कि मैं कैसी लग रही हूँ, चल ना घर से तो देख के आई होगी ना। नहीं बट मैंने ये शॉर्ट्स लगाए थे, मैंने नहीं देखा था शीशे। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं अभी ऑटो के अंदर, बस मार्केट जा रहे हैं, क्या कह रही है अभी देखते हैं बस जाके फटाफट से सामान वगैरह। अच्छा सारी एक ही शॉप है The next day. Hi everyone, welcome back to our channel. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। So दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज एक नए तरह के आलू, जो मैंने मतलब कुछ टाइम पहले वीडियोस वगैरह में देखे थे इंस्टा वगैरह पे ना, कि बहुत मतलब दिखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे थे, वैसे वाले आलू खाए नहीं है कभी भी ना आज तक, सिर्फ वो वाले खाए आलू वाली भुजिया जो होती है लंबे वाले, या फिर वो जो होते हैं ग्रेवी वाले ना। तो मैं अभी ना इस स्टाइल में आलू बना रही हूँ, आप लोगों ने क्या पता खाए हो, मैं तो फर्स्ट टाइम ही इसको बनाने लगी हूँ, ये गोल वाले आलू ना, तो ये अभी मैंने गोल काटे हैं, अभी मैंने धो के थोड़े से रख दिए थे, अभी इनको भी ना मैं ऐसे कट कर रही हूँ। यार दिखने में तो बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहे थे, बाकी खा के पता लगेगा ये कैसे बनते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, आई होप यार बढ़िया बन जाए। ज्यादा मोटा नहीं काटना है इसको, ना ही ज्यादा पतला काटना है, मतलब मीडियम सा हो, ज्यादा मोटा होगा तो गलेगा नहीं ये, जैसे वो नॉर्मल आलू का ही रहता है वैसे ही होता है ये वाला भी ना। और इसके अंदर अभी देखते हैं, वैसे प्याज भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और खाली इसको जीरे का भी तड़का लगा के नमक मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं जैसे नॉर्मली बनता है दूसरे वाला आलू, लेकिन मैं तो प्याज डाल ही लूंगी क्योंकि उससे थोड़ा टेस्टी टेस्ट आ जाता है थोड़ा ना।
टेढ़ा मेढ़ा एक आधा तो टूट ही जाता है यार बीच में। चलो इसे कट कर लेते हैं फिर ना, फिर बनाते हुए आपको दिखाती हूँ। मैंने कट कर लिए हैं और वॉश भी कर लिए थे, लेकिन मैं इसे एक बार और फिर से अच्छे से वॉश कर दूंगी। देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं गोल गोल से ना। तो अभी इसको थोड़ा सा मैं वॉश करती हूँ और प्याज कट करती हूँ। तब तक आई थिंक 3 प्याज काफ़ी होंगे ये छोटे छोटे से, क्योंकि आलू भी इतने ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। हम 2 लोगों को पूरे हो जाए उतने ही, उसी हिसाब से प्रतिशत कम ना पड़ जाए। वैसे एक आलू छोड़ दिया था मैंने ना। सो गाइस, बीच में से मैं चली गई थी क्योंकि प्याज कटने के बाद इतने लंबे लंबे आंसू आए ना। जब भी प्याज काटती हूँ ऐसा ही होता है मेरे साथ ना, और ऊपर से क्या कहते हैं आंसू भी आते रहते हैं। और फिर अभी मसाले वसाले जब मैं डालूंगी उसके बाद वो मेरे सीधा नाक में जाते हैं और फिर मेरे को नोजी भी लग जाता है साथ साथ में। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। और अभी मैंने प्याज वगैरह आलू वगैरह वो कर दिए, हरी मिर्चें भी डालूंगी, हरी मिर्चें 2 या 3 डालूंगी लंबी कट करके, क्योंकि वो तली हुई बहुत टेस्टी लगती है। इसलिए चलो अभी शुरू करते हैं अपना। लहसुन तो मैं भूल ही गई थी, लहसुन के बिना तो अधूरा है, क्योंकि गार्लिक का जो टेस्ट आता है ना आलू के अंदर बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में गैस भी नहीं बनेगी लहसुन डालूंगे तो। लहसुन तो बहुत मस्त रहता है यार, डाल लेना चाहिए 3-4 पीसेस। कुट के डालूंगी इसको ना अच्छे से, कट करके नहीं। सरसों का तेल यूज करूंगी सब्जी बनाने के लिए। अभी पहले कढ़ाई अच्छे से ना सूख जाए। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल इसमें डलेगा ज़्यादा, क्योंकि आलू तलने होते हैं ना यार, फिर ऐसे अच्छा नहीं बनता है ये। थोड़ा सा गर्म मसाला देते हैं इसे। जीरा डाल रही हूँ, थोड़ा सा राई, रोटी छल छल के आ रही है, इससे थोड़ा बचना चाहिए तो ये बहुत गंदी लगती है। लहसुन छिट्टे देख रहे हो कैसी पड़ रही है। हरी मिर्च भी डाल दी फटाफट से, देखो प्याज अच्छे से अभी इसको थोड़े से ब्राउन करने हैं, देन इसके अंदर मसाला वसाला ऐड करेंगे। ये गया नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, और सूखा धनिया से आलू भी बहुत टेस्टी बनते हैं गाइस। ये थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला इसके अंदर खत्म है, थोड़ा सा ये डाल दिया वो बाद में लास्ट में डाल देंगे, पहले इसको पका लेते हैं अच्छे से। तो ये वाले जो आलू है ना इसको आप ना तल के भी बना सकते हो, मतलब पहले ऑयल डाला फिर तल लिया, तो मैं तल नहीं रही हूँ। सो इसको पहले अच्छे से तल लेना अगर तल के आपको बनाना है। हम लोग तले बिना ही प्रेफर करते हैं। और फिर अभी प्याज वगैरह का वो हो चुका है तड़का वड़का, अभी मैं इसके अंदर ये आलू डाल रही हूँ। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखूंगी कि अच्छे से बन जाएगा। पानी वगैरह अभी नहीं डाला मैंने इसके अंदर, अगर नीड पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी में डाल दूंगी। ये मैंने हल्का सा वॉश कर दिया था कि इससे थोड़ी सी स्टीम वगैरह आ जाए। तो अभी 10 मिनट के बाद या 5 मिनट बाद इसको साथ साथ चेक करते रहना ना कि बन रहे हैं नहीं बन रहे, कच्चे तो नहीं है या सड़ तो नहीं गए, ऐसा सब कुछ। ऐसे बन के रेडी हो चुके हैं, लेकिन मैं इसको अभी थोड़ी देर और क्रिस्पी करूंगी। अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करके देखते हैं कैसा बना। टेस्टी बने। सो गाइस अच्छा बना है ये वाला ना आलू। आप इसके अंदर ना अमचूर भी डाल सकते हो, उससे थोड़ा सा आलू के अंदर डलता है ना वो चटपटे से हो जाते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करती होती अमचूर वगैरह ना, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं।
तो अभी बस थोड़ी देर के लिए और रखती है मैंने इसको, थोड़ा सा स्टीम में थोड़ा सा और पक जाए, वैसे पक चुका है लेकिन थोड़ा सा ना क्रिस्पी ही सा चाहिए। ठीक है तो अभी तब तक बनाते हैं रोटी। अच्छा बना, टेस्टी बना ना, पहली बार खा रहे हो ये वाले आलू का टेस्ट है। चिप्स ऐसे नहीं, तुम ही तो बनाते थे ऐसे, वो लंबे वाले बनाती थी ऐसे, बट बीच में एक आधा पीस आ जाता था ऐसा काट के। हाँ तो मेरा मन था मैं ये वाले बनाऊं, टेस्टी।